बेदलहेम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरणी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बचपन से ही हम सबको बताया जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म बेदलहेम नामक एक छोटी सी नगर में चरणी में हुआ था। पर क्या हम में से किसी एक ने भी गौर किया है कि पिता ईश्वर, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना अपने एक ही शब्द पर किया, उनके इकलौते पुत्र का जन्म गौशाला में क्यों हुआ? अगर हम यीशु मसीह के जीवन पर ध्यान परायण करेंगे तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी अपने शिष्यों को सिखाया है वह पहले अपने जीवन में दर्शाया है। यही गुण उन्हें यहूदियों से अलग और लोगों के द्वारा आकर्षित करते थे। वह अपने जन्म स्थान के द्वारा एक ईसाई का मूल भाव बताते हैं। वह लोगों को बताना चाहते हैं कि एक ईसाई का स्तंभ, मूल स्तंभ विनयता एवं नम्रता है। एक मनुष्य का पहचान उसके स्वभाव से है और एक ईसाई का पहचान उसके विनयता एवं नम्रता में है। घमंड एक इंसान का सर्वनाश का ही नहीं, उसके अधपतन और उसे और नीचे करने का कारण भी बनता है, परंतु विनयता एवं नम्रता उसे प्रभु के द्वारा और करीब लाता है। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए एक सोच रखना चाहूँगा कि अगर हम सबका प्रभु यीशु मसीह, जो सबके काबिल हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ छोड़कर हमारे लिए छोटे बन सकते हैं, तो क्या हम नहीं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए छोटे बन सकते हैं?